हेलो गाइस, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत अमोनियम का परीक्षण करेंगे। NH3 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय? NH3 प्लस H2O का विलयन अम्लीय है या क्षारीय? देखिए, ज़्यादातर बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि अमोनिया है NH3, अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये क्यों आता है? अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? तो इसे प्रैक्टिकली आराम से समझा जा सकता है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि अगर अमोनिया है और इसमें जल लगेगा H2O, तो ये बनेगा NH4OH। क्या बनेगा? NH4OH। अगर हम इसका आयनीकरण करते हैं, NH4OH का आयनीकरण करेंगे, तो आपका NH4 आयन और OH आयन मिलता है। तो सबसे पहले यह है कि अगर हम रिटिन भाषा में कहें तो हाइड्रोक्सी आयन होने के कारण विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। विलयन क्षारीय होगा, लेकिन क्या ये वास्तव में क्षार है या नहीं है? इसके लिए तो यह है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि NH4OH क्या है? दुर्बल क्षार। प्रबल नहीं है, दुर्बल क्षार। अब इसके देख इसको परीक्षण के रूप में अगर देखना हो तो सबसे पहले आपके पास सूचक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सूचक। क्या है? एक फिनॉक्सिलीन। फिनॉक्सिलीन विलयन। दूसरा आपका है मेथिल ऑरेंज। मेथिल रेड या आपका लिटमस पेपर। इस तरह से सूचक होंगे। तो फिनॉक्सिलीन का नहीं, क्षारों के साथ कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो ये गुलाबी हो रहा होता है, गुलाबी। मैथिल ऑरेंज आपका ऑरेंज कलर का, ये पीला हो जाएगा। मैथिल रेड भी पीला हो जाता है। और लाल लिटमस पेपर, लाल वाले पर अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो चूंकि ये बहुत, अभी हमने आपको बताया कि ये दुर्बल क्षार है, तो ये नीला होना चाहिए। मे बी रिटन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि नीला होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि दुर्बल क्षार है। अगर प्रबल क्षार होता तो 101% लाल लिटमस पेपर नीला होता है। तो हम ये देखेंगे कि क्या आज ये सारे टेस्टों को हमारा अमोनिया का लिक्विड है वो शो आउट करता है या नहीं करता है। तो ये है आपको मार्केट में मिलने वाले, ये आराम से अमोनिया हाइड्रोक्साइड या अमोनिया लिक्विड कहलाता है। मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाता है, 100-150 रुपए का मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया लिया है, ठीक। अब चूंकि हमारे पास दो हैं, हम तो एक साथ दो में करेंगे, इससे हमें कंफर्म हो कि क्या चेंज हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। हमने दोनों में लगभग बराबर मात्रा में ले लिया है, उसमें से एक पर फिनॉक्सिलीन विलयन है, ये वाइट कलर्स का होता है। अगर हम किसी चीज में डालेंगे इसका तो अम्ल क्षार होने पर ही इसकी सूचना देगा, और अगर हम खाली टेस्ट ट्यूब में इसको यूज करें तो इसका कलर दिखाई नहीं देगा। खाली टेस्ट ट्यूब में इसका कलर बिल्कुल नहीं है, खाली है। तो अगर अब हमने इसी को चाहे डायरेक्ट डालें चाहे इस टेस्ट ट्यूब के माध्यम से इसमें डालेंगे तो गुलाबी होना चाहिए। क्या हो गया? गुलाबी। देखिए, गुलाबी हो गया। Yes। तो इसका मतलब पहला परीक्षण ये है कि
फिनॉक्सिलिन विलयन को जैसे ही हम इसमें डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मार्केट में या हमारे लैब में जो अमोनिया लिक्विड के रूप में होती है वो लिक्विड अमोनिया नहीं है बल्कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। लिक्विड में कैसे बनी है, क्योंकि उसमें पानी अमोनिया के साथ जुड़ के अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जैसे ही हमने फिनॉक्सिलिन विलयन डाला कैसा हो गया, ये गुलाबी हो गया। अब हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में चूंकि ये लिया था तो इसको दूसरा देखेंगे कि क्या हमारे पास है मैथिल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, लाल रंग का होता है थोड़ा सा, इसे डालने पर क्या ये क्षार का परीक्षण देता है या नहीं देता। अगर क्षार होगा तो ये पीला हो जाएगा और अम्ल होगा तो ये लाल रहेगा। तो ये देखिए पीला हो गया तो क्षार हो गया। तो दो चीजें हैं, जब भी पेपर्स में बोर्ड के पेपरों में आए तो हमें इसे इसी तरह से नहीं लिखना है कि पहला तो आप ये कहिए कि इसका नहीं जलीय विलयन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन होने के कारण ये क्षार है। फिर किसी एक अम्ल से क्रिया करा दें, जैसे आप HCl से करा देंगे तो NH4Cl बनेगा, इसी में जैसे हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर NH4OH की अगर हम HCl से क्रिया करा दें तो NH4Cl और H2O बनेगा। तो ये एक लवण है, लवण और जल। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास सूचक होने चाहिए, जो हमने बताया कि अगर फिनॉक्सिलिन विलयन है, क्या है फिनॉक्सिलिन विलयन, तो वो गुलाबी हो जाएगा, मैथिल ऑरेंज है तो पीला हो जाएगा, और मैथिल रेड है तो पीला हो जाएगा। और लिटमस पेपर वाला और एक टेस्ट देख करके देख लेते हैं कि लिटमस पेपर क्या ऐसा करता है या नहीं। तो हमारे पास ये लाल लिटमस पेपर है, हमने अभी आपसे एक वर्ड यूज किया है कि ये दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार। सियोरिटी नहीं है कि ये देगा, क्यों? क्योंकि उसमें आयनों की मात्रा जो है हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बहुत कम है, इस वजह से जरूरी नहीं है कि ये आपका छात्र का परीक्षण दे। लेकिन रासायनिक रूप से जब भी केमिकलों का यूज किया जाता है तो वो इसका परीक्षण देते हैं। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और टेस्ट ट्यूब को एक छड़ के रूप में यूज कर रहे हैं हम, और छड़ के रूप में यूज करने पर ये देखिए इसका रंग नीला हो गया है, हो गया लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया है। लिटमस पेपर के साथ भी इसने परीक्षण दिया। इसका अर्थ यही है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, धन्यवाद।